hello students my name is amit and today we are going for third lecture of basics of economics uh, in this lecture we are going to learn about opportunity cost and production possibility frontier these are the two two basics which are uh, means which are uh, which are in the last part of our chapter so let's start opportunity cost what is opportunity cost the opportunity cost is basically the cost of next best alternative for means whatever you have left that lost is the opportunity cost of what you have gained means suppose I am taking a simple example of myself I left my job for grabbing teaching accounts and economics means uh, previously I was in the job but I left the job and I came into the teaching field and uh, from that day I am teaching accounts and economics so what is the opportunity cost for grabbing teaching?

अनदर कमोडिटी इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वॉट यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस मीन्स आप जो प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए आपने जो सेकेंड दूसरी कमोडिटी में जो रिसोर्सेज जाने थे उनको वहां से लूज किया और इस कमोडिटी को आपने प्रोड्यूस किया वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है द अमाउंट ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विज मस्ट बी सेक्रीफाइस टू ऑपटेन मोर ऑफ एनी अदर गुड और सर्विसेज इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट गुड बिकॉज रिसोर्सेज आर स्के एज आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड वी आर ऑलवेज फोर्स टू मेक द चॉइस बिटवीन ऑल्टरनेट कमोडिटीज ये हमारे लिए ऑपरचुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है कि रिसोर्सेज कम होने की वजह से रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से वी हैव टू ग्रैप वन कमोडिटी देन वी हैव टू लूज अनदर कमोरिटी सो दिस इज द बेसिकली कॉन्सेप्ट कॉल ऑपॉर्चुनिटी कॉस्ट नाउ अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर देखो सीधा सा बात है कि कॉस्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसी कॉन्सेप्ट से एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया पीपीएफ पीपीएफ बेसिकली एक कॉन्सेप्ट भी है और पीपीएफ बेसिकली एक चार्ट है और एक साथ में ग्राफ है जो हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बेटर एक्सप्लेनेशन देता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का हायर वर्जन है एक तरह से आप ये समझ सकते हैं सो सिनोनिम्स ऑफ पीपीएफ आर बेसिक नाम तो हम ये बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पर इसके साथ बहुत सारे दूसरे नाम्स भी हैं इसके पहला है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर फिर है हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री फिर है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन कर फिर है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री फिर है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर ये कुछ अलग अलग नाम हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के ना अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कैसे बना ड्यू टू द स्केयर सिटी ऑफ रिसोर्स ऑल वॉन्ट्स ऑफ द सोसाइटी कैन नॉट बी सेटिसफाइड जो एक सोसाइटी है उसमें बहुत सारी

कहीं ना कहीं एक चीज को सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी और एक चीज गेन करेंगे तो वहां से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का आ, मतलब स्टार्टअप होगा सो द इकोनॉमी इज अज्यूम द वेरी बेसिक इकोनॉमी विद ओनली टू गुड्स अब हम यहां पे जब पीपीएफ पढ़ रहे हैं तो यहां पे दो ही एग्जाम्पल ले रहे हैं दो ही कमोडिटी ले रहे हैं गन्स एंड बटर अब हमने यहां पे दो ही एग्जाम्पल क्यों ली क्योंकि देखो इकोनॉमी के अंदर हम हमारे रिसोर्सेस को बहुत जगह लगा सकते हैं और हम उन रिसोर्सेज से बहुत सारी कमोडिटीज प्रोड्यूस कर सकते हैं बट हम उन सबको एक साथ पढ़ नहीं सकते जब हमारे स्टडीज हमें हमें स्टडी करके कंक्लूजन निकालना है तो हमने क्या किया दो ही कमोडिटीज को लिया हम सारी कमोडिटीज को एक साथ लेकर कंक्लूजन नहीं निकाल सकते थे अपार्ट फ्रॉम दैट एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जैसे एक इनकम है एक पर्सन की इनकम बहुत सारी चीजों में डाइवर्ट होती है वो एक ही इनकम सोर्स होता है उस इनकम से जो पैसा आता है उसको बहुत सारी चीजों में डाइवर्ट करता है पर वो जब हमें उसको पढ़ना है तो पढ़ने के लिए हमने सिर्फ दो ही कमोडिटी ली है जिससे हमारा एग्जाम्पल्स थोड़ा बेटर हो जाए हम बेटर कंक्लूजन निकाल पाए और बेटर कंक्लूजन निकाल के हम लोग उसी उससे जो कंक्लूजन आए वो कंक्लूजन सभी जगह फिट कर पाए

पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस विदिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी देखो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उसमें किसके दो कमोडिटीज के कॉम्बिनेशन है और वो दो कमोडिटीज के जो कॉम्बिनेशन बने वो कैसे बने गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी मतलब हमारा पहला आजम्शन कि हमने रिसोर्सेज को क्या माना गिवन गिवन माने फिक्स्ड रिसोर्सेज आर फिक्स्ड आल्सो टेक्नोलॉजी इज आल्सो फिक्स्ड टेक्नोलॉजी भी फिक्स्ड है टेक्नोलॉजी फिक्स है मतलब यू आर नॉट चेंजिंग द टेक्नोलॉजी क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जब भी टेक्नोलॉजी एडवांस होती है टेक्नोलॉजी आगे की तरफ ही बढ़ती है टेक्नोलॉजी कभी पीछे नहीं जाती है. अगर आज हमारे घर पे एलईडी टीवी है तो हम वापस से ब्लैक एंड वाइट टीवी नहीं खरीदेंगे टेक्नोलॉजी आगे ही बढ़ेगी टेक्नोलॉजी कभी पीछे नहीं जाएगी तो जब भी टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो टेक्नोलॉजी अगर बढ़ेगी तो वो टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी अब बढ़ेगी तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन भी बढ़ेगा आउटपुट भी बढ़ेगा अब जब आउटपुट बढ़ता जाएगा और हमने दो कमोडिटीज ली अगर उनका आउटपुट बढ़ता जाएगा तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बढ़ता जाएगा ग्राफ भी हमारा बढ़ता जाएगा तो हमारे लिए उसको स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा तो हमने क्या किया उसको स्टैटिक बनाने के लिए उसको एक ही जगह पे फिक्स बनाने के लिए हमने क्या किया हमने टेक्नोलॉजी को फिक्स कर दिया हमने माना कि हम टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं जो जिस टेक्नोलॉजी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसी टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन करेंगे नए चेंजेस नहीं, नहीं लेके आ रहे सो दैट इज द बेसिक एजम्पन दैट आर फिक्स एंड टेक्नोलॉजी इट इज अस on the graph, it becomes इट locus. हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा था बचपन में अगर हम कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास अगर उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो लोकस बन जाता है

पहला कॉम्बिनेशन तो पहला एजम्पन तो मैंने आपको बताई दिया कि दो कमोडिटीज़ है उनका कॉम्बिनेशन है और पहला एजम्शन तो है कि रिसोर्सेज क्या हैं फिक्सड हैं हमने रिसोर्सेज को फिक्स माना और एक चीज़ और मानिए कि ये जो रिसोर्सेज ट्रांसफर किए जा सकते हैं अगर हम रिसोर्सेज को गन में लगा रखा है तो हम बटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर हमने रिसोर्सेज को बटर में लगा रखा तो हम गन्स में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं सो रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड ऑल्सो नाउ ओनली डो गुड्स हम ये मान रहे कि हमारे पास जो गिवन रिसोर्स है जो वो गिवन रिसोर्स से दो ही कमोडिटी बना सकता है नो no डाउट एक रिसोर्स से हम बहुत सारी कमोडिटीज बना सकते हैं बट हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं एजम्पन लेके चल रहे हैं रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशियटली यूटिलाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको हम फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं एफिशेंटली यूटिलाइज कर रहे हैं नो no वेस्टेज इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं नो वेस्टेज कहीं पर भी वेस्टेज नहीं है जितने हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है हम सभी रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं हम लोग ना रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट ये भी इम्पॉर्टेंट एजम्शन है जो पीपीएफ को कर्व देता है पीपीएफ का कर्व होता है कॉन्केव तो वो कर्व कॉन्केव कैसे आता है इस एजम्पन की वजह से आता है और ये एजम्पन भी और रियलिटी भी है कि जो रिसोर्सेज गन्स बनाने में एफिशिएंट हैं वो रिसोर्सेज बटर बनाने में उतने एफिशियंट नहीं है सो रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशियंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स आर नॉट इक्वली सो प्रोडक्टिविटी नो ट्रांसफर

these are the combinations these are the possibilities a b c d e f g these are the combinations or possibilities. पहला pehla combination जिसमें कितनी गन्स बना रहे हैं हम ट्वेंटी वन गन्स और जीरो बटर मतलब सारे रिसोर्स हम गन बनाने में ट्रांसफर कर रहे हैं सेकेंड है हमारे पास बटर लास्ट वाले देखते हैं बटर है सिक्स और गन्स हैं ज़ीरो तो लास्ट वाले कॉम्बिनेशन में हमने सारे रिसोर्सेज बटर में ट्रांसफर कर दिए फिर हमने क्या किया जब फर्स्ट कॉम्बिनेशन ए ए से बी पे आए बी पे आए तो बटर कितना बनाया ज़ीरो से वन बटर में इंक्रीमेंट हुआ ज़ीरो से वन और गन डिक्रीज हो गई ट्वेंटी वन से ट्वेंटी मतलब हमने गन से रिसोर्सेज को ट्रांसफर करके बटर में ट्रांसफ़र किया फिर गन्स हो गई एटीन देन वन से टू टू से थ्री बटर हुआ फिर एटीन से फिफ्टीन इस तरह से गन्स का सेक्रीफाइस करते गए और बटर हमें मिलता गया तो हमारे पास ये जो सेक्रीफाइस और गेन का जो कॉम्बिनेशन है इससे हमारे पास दो कंसेप्ट आए एम ओ सी दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड एम आर टी दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सो हम बाद में पढ़ेंगे और इस तरह से कैसे आ रहा है नौ no, पहले हम पी पी एफ पढ़ लेते हैं नो no. हमने जब सारे कॉम्बिनेशन को ड्रॉ किया हमने बटर को लिया एक्स एक्सेस पे और गन्स को लिया वाई एक्सेस पे उसका रीजन है कि हम गन्स को सेक्रीफाइस करके बटर को पाना चाहते हैं तो बटर हमारे लिए मेन फैक्टर है जब भी कोई मेन फैक्टर होता है वो एक्स एक्सेस पे आता है तो हमने क्या किया बटर को गेन है बटर हमारे लिए गेन है तो बटर को हमने लिया एक्स एक्सेस पे और सेक्रीफाइस लिया जो गन से वो सेक्रीफाइस है उनको लिया हमने वाई एक्सेस पे और जैसे पहला कॉम्बिनेशन है ए कॉम्बिनेशन ए कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे बटर ज़ीरो है यहाँ पर बटर ज़ीरो है और गन है ट्वेंटी वन लास्ट कॉम्बिनेशन है जी कॉम्बिनेशन जी कॉम्बिनेशन में गन है जीरो यहाँ पे गन्स के लिए जीरो है और बटर है यहाँ पे सिक्स तो इस तरह से ये एंड कॉम्बिनेशन है और इसके बीच में सारे कॉम्बिनेशन को ड्रॉ कर दिया जब हमने सारे कॉम्बिनेशन को लोकस को ड्रॉ किया तो हमारे पास ये कर्व निकल के आया जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो शेप है वो कॉन्केव है हम आगे पढ़ेंगे क्यों है कॉन्केव सो so, पहले अब हम पढ़ते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे पास दो वर्ड्स हैं एक तो सी है एक है एमआर टी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन देखो पहले हम समझते हैं कि इसको मार्जिनल क्यों बोला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अलग कर दो और मार्जिनल को अलग कर दो मार्जिनल इसलिए बोला जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स में वर्ड मार्जिनल हमेशा आता है और मार्जिनल और का मतलब है एडिशन ऑफ वन एडिशन ऑफ वन एक्स्ट्रा यूनिट और एडिशन ऑफ वन फैक्टर तो यहाँ पर बटर जो है पहले बटर ज़ीरो था जीरो से हो गया वन वन से हो गया टू फिर टू से हो गया थ्री तो इसका मतलब क्या हो रहा है बटर में जो एडिशन हो रहा है बटर में हमेशा वन का एडिशन हो रहा है जितनी गन्स को हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं जितने रिसोर्सेज को गंस से निकाल कर हम बटर में डाल रहे हैं तो हम गन्स का सेक्रीफाइस कर रहे हैं और जब गन्स का सेक्रीफाइस कर रहे हैं हम लोग तो बटर में एडिशन हो रहा है और बटर में हमेशा वन का एडिशन हो रहा है जीरो से वन वन का एडिशन वन से टू वन का एडिशन टू से थ्री वन का एडिशन यहाँ पे हमेशा वन वन का एडिशन हो रहा है जब भी हम वन का एडिशन होता है वन यूनिट वन एक्स्ट्रा यूनिट मिलती है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल एंटायर इकोनॉमिक्स में आपके सामने जब भी मार्जिनल वर्ड आए तो आपको समझना है एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा वन एक्स्ट्रा वन यूनिट और एक्स्ट्रा वन वेरिएबल सो इस वजह से मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला अच्छा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों बोला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसलिए बोला बटर को पाने की जो अपॉर्चुनिटी है उस बटर को पाने की अपॉर्चुनिटी की जो कॉस्ट है वो है गन्स का सेक्रीफाइस गन्स का सेक्रीफाइस करते गए तो बटर मिलता गया तो बटर को पाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गन्स का सेक्रीफाइस नो सो मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू नंबर ऑफ कमोडिटीज सेक्रीफाइज टू गेन वन एडिशनल वन आ गया यहाँ पे गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी सो इन पी पी एफ एमओ सी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग बिकॉज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशियंसीटर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज एज दे आर शिफ्टेड फ्रॉम वन यूज टू अनदर यूज हमने पहले ही पढ़ा जो रिसोर्सेज हम गन्स में लगा रहे सपोज मान ली लेबर लेबर फोर्स लेबर गन्स बनाती है अगर लेबर को हमने गन्स में बना रख इन्वॉल्व कर रखा है गन्स बनाने में अगर हम उसी लेबर को बटर बनाने में ट्रांसफर करेंगे तो इट्स वेरी श्योर कि बटर का प्रोडक्शन उतना नहीं हो पाएगा जितना गन्स का सेक्रीफाइस हुआ तो सेक्रीफाइस ज्यादा ज्यादा करना पड़ेगा जैसे जैसे बटर में शिफ्ट करते जाएंगे सेक्रीफाइस ज्यादा होता जाएगा तो ये जब सेक्रीफाइस बढ़ जाता है ये जब ज्यादा ज्यादा सेक्रीफाइस होता है तो मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती जाती है तो हम इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं मतलब ये तो हमने थ्योरी समझी अभी हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं से दिस देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि हमें लगेगा कि हमारा एमओसी का फॉर्मूला और एम का फार्मूला सेम है बट एम और एमआरटी में डिफरेंस है एम जो है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक रेट है या ऐसा बोल सकते हैं ये एक रेशियो है बेसिकली ये एक रेशियो है तो रेशियो हमेशा रेशियो के रिलेटिव टर्म होता है तो यहाँ पे हमने पहले केस में आप देखेंगे कि 21 गन्स थी हमारे पास हमने 21 गन्स में से एक गन को सेक्रीफाइस किया मतलब रिसोर्सेज को सेक्रीफाइस किया और हमें एक बटर मिला जीरो से वन बटर मिला हमें तो गन्स का सेक्रीफाइस कितना किया वन ट्वेंटी वन से ट्वेंटी पर आए गन्स का सेक्रीफाइस हुआ वन ज़ीरो से हम वन बटर पे आए तो वन का गेन हुआ फिर सेकेंड शॉट में ट्वेंटी से एटीन पे आए हम लोग तो यहाँ पे हमने दो गन्स का सेक्रीफाइस किया पर बटर हमेशा कितना मिल रहा है हमें वन हमेशा वन मिला वापस से वन से टू हुआ फिर हमने थ्री गन्स का सेक्रीफाइस किया एटीन से हम आए फिफ्टीन पे। तो हमने यहाँ पे थ्री गन्स का सेक्रीफाइस किया और बटर वापस कितना गेन हुआ वन यहाँ पर फिर फिफ्टीन से हम इलेवन पे आए तो फोर गन्स का सेक्रीफाइस किया अब देखो सेक्रीफाइस बढ़ता जा रहा है और बटर हमें हमेशा मिला वापस से वन बटर हमेशा वन मिल रहा है बटर का जो गेन हो रहा है वो वन है बट जो सेक्रीफाइस से है गन्स का वो बढ़ रहा है देखो इलेवन से सिक्स आया मतलब फाइव का सेक्रीफाइस फिर सिक्स से ज़ीरो पे आया मतलब सिक्स गन्स का सेक्रीफाइस तो सेक्रीफाइस हमेशा बढ़ रहा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब एम ओ सी और एम आर टी में फ़र्क क्या है एम ओ सी सॉरी एम आर टी जो है वो रेशियो है, है सिर्फ रेशियो एक रिलेटिव टर्म है बट एमओ जो है एमओ का फॉर्मूला भी ऐसे ही MOC है एमओसी का फार्मूला है सेक्रीफाइस अपॉन गेन तो गेन हमेशा हो रहा है वन का गेन हमेशा वन, वन बटर का हो रहा है सेक्रीफाइस तो पहले में है वन बाय वन वन बाय वन से आया वन यहाँ पे हम पूरा डिवाइड कर दे रहे हैं यहाँ पे हम रेट नहीं निकाल रहे फिर हमारे सेकंड क्लॉज में टू गन्स का सेक्रीफाइस किया टू बाय वन टू बाय वन का मतलब होता है टू फिर हमारे पास थ्री बाय वन तो थ्री बाय वन का मतलब है थ्री फिर फोर बाय वन तो फोर को अगर वन से डिवाइड करेंगे तो फोर इस तरह से एम जो आ रही है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में आ रही है और एम जो आ रही है वो रेट के टर्म में आ रही है रेशियो के टर्म में आ रही है ये दोनों में फर्क है एम एक एप्सलूट टर्म है एप्सलूट है और एम एक रेशियो के फॉर्म में है दिस इ डिफरेंस बेसिक डिफरेंस नौ अगर हम देखें तो एम हमारा यहाँ हो गया और एम इंक्रीजिंग है हमेशा एम इंक्रीज हो रही है वन टू थ्री फोर एम इज इंक्रीजिंग नो एम आर टी एम आर टी इज वॉट एम आर टी इज ए रेशियो मैंने पहले ही बताया एम ओ सी एक एप्सलू टर्म है और एम आर टी एक रेशियो है और उसका फॉर्मूला भी सेम है डेल्टा गन्स अपॉन डेल्टा यूनिट सेक्रीफाइज मतलब गन्स अपॉन डेल्टा यूनिट्स गेन दैट इज बटर और यहाँ पे डेल्टा का मतलब है चेंज चेंज कितना आया गन्स में और चेंज कितना आया बटर में दैट चेंज इज नोन एज डेल्टा नौ एम और एम हमने समझ लिया अब एम और एम के बाद हमारे पास आती है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी पी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं सबसे पहला पी पी एफ स्लोब्स डाउनवर्ड देखो आपको एक बहुत बेसिक फंडा बताता हूँ आपके सामने अगर इकोनॉमिक्स में कोई सा भी ग्राफ आता है तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है अगर ग्राफ का शेप ग्राफ का मूवमेंट इस तरह से लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड डायरेक्शन और ग्राफ का मूवमेंट अगर इस तरह से लेफ्ट टू राइट अपवर्ड डायरेक्शन तो दोनों में फर्क क्या है यहां पर एक्स एक्सिस पे जो वेरिएबल है और वाई एक्सिस पे जो वेरिएबल है उनमें रिलेशनशिप कैसा इनवर्स इनवर्स का मतलब है, अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल कम हो रहा है तो दोनों में रिलेशनशिप आता है इनवर्स जब भी आपके सामने ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग आता है तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है पीपीएफ भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है पीपीएफ स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज देर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन

एंटायर इकोनॉमिक्स में में ग्राफ में सब जगह एप्लीकेबल है है रिलेशनशिप तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ मिलेगा आपको जैसे लॉ ऑफ डिमांड पड़ा हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग था ऐसा अगर अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ आ रहा है आपका तो इसका मतलब एक्सिस पे जो वेरिएबल और वाई एक्सिस पे जो वेरिएबल उनमें पॉजिटिव रिलेशनशिप है पॉजिटिव मतलब अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल कम हो रहा है तो दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो जब भी पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग होगा सो so फर्स्ट करेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी ऑफ द बीपीएफ पीपीएफ इज डाउनवर्ड स्लोपिंग सेकंड इज पीपीएफ इज कॉन्केव इन शेप्ड कॉन्केव मतलब आउटवर्ड बैंड का काव मतलब क्या होता है आउटवर्ड बैंड ये हमारा ग्राफ है इसका जो ग्राफ का जो है ये बैंड है आउटवर्ड बैंड मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ है सो so, ये आउटवर्ड बैंड क्यों है जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमआर एमआर भी इंक्रीज हो रही है कैसे इंक्रीज हो रही है पहले हमने देखा वन फिर हमने देखा टूट फिर हमने देखा थ्री फोर टू वन तो MRT टी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग सो एम आर टी और एमओसीजिंग देर फोर देप ऑफ PPF इज कॉनकेव कॉनकेव शेप मिलेगा हमें नो, अब हमारे पास क्वेश्चन ये कि हमारी इकोनॉमी कहाँ पर मूव करती है कहां पर ऑपरेट करती है हमारी इकोनॉमी क्या PPF के ऊपर ऑपरेट उपर करती है मतलब यहां पर PPF के ऊपर ही ऑपरेट करती है हमारी इकोनॉमी ये मैं पॉइंट बना रहा हूँ क्या ये पी पी एफ के ऊपर ऑपरेट उपर उपर करती है क्या ये पी पी एफ से बाहर ऑपरेट करती है और क्या ये पी पी एफ के अंदर ऑपरेट करती है सो दीज आर द पॉइंट्स दैट वी हैव टू स्टडी अगर पी पी एफ के बाहर ऑपरेट कर रही है मान लीजिए सबसे तो पहले हम पढ़ते हैं कि कहाँ पे ऑपरेट करती है द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ ऑपरेशन डिपेंड्स अपॉन हाउ वेल द रिसोर्स ऑफ द इकोनॉमी आर यूज हमारे इकनॉमी के रिसोर्सेज किस तरह से यूज आ रहे हैं हमारे इकनॉमी के रिसोर्स सही से यूज़ आ रहे नहीं आ रहे या मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हम अचीव कर पा रहे नहीं कर पा रहे क्योंकि पीपीएफ हमें क्या बताता है पीपीएफ हमें बताता है मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ तो क्या हम गिवन रिसोर्सेज से मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ अटेंड कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे अगर हम मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ अटेंड नहीं कर पा रहे तो हमारा पीपीएफ फिर कैसे कहाँ पे होगा देखो अगर हमारा पीपीएफ ऑन द पीपीएफ है हमारे सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जितने हमारे पास रिसोर्सेज सबको हम यूज़ ले रहे हैं तो ऑन द पीपीएफ है या इनसाइड द पीपीएफ है अगर हम इनसाइड द पीपीएफ ऑपरेट कर रहे हैं मतलब हम सारे रिसोर्सेज को यूज़ में नहीं ले रहे हैं हमको जितनी जरूरत होगी हम उतनी यूज में लेंगे सो इकोनॉमी कैन आइदर ऑपरेट ऑन और इन साइड द पी पी एफ इफ रिसोर्स फुली यूटिलाइज और नॉट फुल्ली यूटिलाइज रेस्पेक्टिवली अगर फुल्ली यूटिलाइज है तो ऑन द पी पी एफ और अगर नॉट फुल्ली यूटिलाइज है तो इसका मतलब इनसाइड द पी पी एफ इन कॉम्बिनेशन को हम अटेनेबल कॉम्बिनेशन कहते हैं अटेनेबल का मतलब क्या है हम इनको अटेन कर सकते हैं देखो ग्राफ भी है नीचे बताता दूँ आपको देखो ये जो कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी ये कॉम्बिनेशन क्या है ऑन द पी है और ई e जो है वो ई इनसाइड द पी है तो हमारे पास कंक्लूजन आया कि अगर फुल्ली यूटिलाइजेशन हो रहा है आपके रिसोर्सेज का जितने रिसोर्स अवेलेबल उनका फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है तो आपके जो कॉम्बिनेशन बनेंगे कमोडिटीज के वो कहाँ पे होंगे ऑन द पी और अगर आप लेस यूटिलाइजेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं तो पॉइंट कहाँ पे मिलेगा आपको कॉम्बिनेशन कहाँ मिलेगा इनसाइड द पी हाँ यहां तक तो हम अचीव अच्च, कर सकते हैं मतलब ये हम ये दोनों पॉइंट ये दोनों हमारे लिए अटेनेबल है दीज आर अटेनेबल कॉम्बिनेशन अब होते हैं कुछ अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन जो पी से बाहर है तो इकोनॉमी कैन नॉट ऑपरेट आउटसाइड द पी एंड दे आर अन अटेंडेबल कॉम्बिनेशन उन कॉम्बिनेशन को क्या बोला अनअटेनेबल अन अटेनेबल मतलब हम उनको अटेंड नहीं कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल एफ ऐप कॉम्बिनेशन आप अटेंड नहीं कर सकते क्योंकि इसको अटेंड का मतलब करने का मतलब है कि हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा बढ़े और हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ गिवन रिसोर्सेज से ज़्यादा नहीं बढ़ सकती है जब गिवन रिसोर्सेज को हम फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं तो हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ बढ़ नहीं सकती तो जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ बढ़ नहीं सकती तो ये कर्व के ऊपर जितने कॉम्बिनेशन यहीं तक तो फिक्स हैं इससे ऊपर नहीं जा सकते अगर आपको कॉम्बिनेशन इसके बाहर ले जाना है जिसको आप अनअटेंडेबल बोल रहे हो अगर आप चाहते हो कि इसको अटेनेबल बनाएं तो इसको अटेनेबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा या तो रिसोर्सेज को बढ़ाना पड़ेगा हमारे हमारे रिसोर्सेज का जो क्वांटिटी है तो उनको बढ़ाना पड़ेगा या फिर हमारी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ेगा गिवन रिसोर्सेज अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर देंगे तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने से हमारा आउटपुट बढ़ जाएगा तो अनबल कॉम्बिनेशन हैं हमें अगर अटेन करना है तो या तो रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे या टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी पड़ेगी नाउ अब हमारे पास आता है क्वेश्चन कि पी पी एफ स्ट्रेट लाइन होता है क्या क्या पी पी एफ स्टेट लाइन होगा अगर पी पी एफ स्टेट लाइन होगा कॉन्स्टेंट होगा तो इसका मतलब एमआर टी भी कॉन्स्टेंट पी पी एफ स्टेट लाइन कब होगा जब सारे कॉम्बिनेशन ऐसे हों वन एजू वन टू एज टू टू देन थ्री टू थ्री इस तरह से अगर कॉम्बिनेशन बनेंगे तो हमारा पी पी एफ कॉन्स्टेंट होगा और पी पी एफ कॉन्स्टेंट हो नहीं सकता प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है जस्ट बिकॉज हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो दूसरी कमोडिटी बनाने में उतने एफिशिएंट नहीं है जितनी पहली कमोडिटी बनाने में एफिशिएंट है वो रिसोर्स इतने एफिशिएंट नहीं होते अगर गन्स में जो लेबर काम करी गन्स वाली लेबर को अगर आप बटर में ट्रांसफर करोगे तो वो उतनी एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे तो इसलिए जितना सेक्रीफाइस गन का करोगे उतना ही बटर मिल जाए सेम क्वान्टिटी में इट इज नॉट पॉसिबल तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बिकॉज रिसोर्सेज उतने एफिशिएंट नहीं होते हैं किसी दूसरी कमोडिटी को बनाने में अब दूसरा क्वेश्चन आता है क्या पीपीएफ पी कॉन्केव की जगह कॉन्वेक्स हो सकता है अगर पीपीएफ को कॉन्वेक्स होना है तो एम डिक्रीजिंग होनी चाहिए एम डिक्रीजिंग मतलब जो कमोडिटी आप सेक्रीफाइस कर रहे हो वो आप कम सेक्रीफाइस करोगे और जो कमोडिटी आपको मिल रही है वो ज़्यादा मिलेगी तो ये भी प्रैक्टिकली थोड़ा पॉसिबल नहीं है कि आप जितना नेक्स्ट कमोडिटी पाना चाहते हो मान लो नेक्स्ट कमोडिटी में वन बटर पाना चाहते हो तो वन बटर के लिए आपको हाफ गन का सेक्रीफाइस करना पड़े ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि गन बनाने में जो रिसोर्सेज एफिशियंट हैं वो रिसोर्सेज बटर uh, बनाने में उतने एफिशियंट नहीं है तो आपको बटर बनाने में रिसोर्सेज ज़्यादा डालने पड़ेंगे गन्स का सेक्रीफाइस ज़्यादा करना पड़ेगा तो पॉसिबिलिटीज़ कम होती हैं डिक्रीजिंग भी कम होती हैं सो इट इज़ कंक्लूडेड दैट पी पी एफ इज़ ऑलवेज़ कॉन्कीव बिकॉज एम आर टी इज इंक्रीजिंग पी पी एफ हमेशा कौन के भी होता है जस्ट बिकॉज एम आर टी इज इंक्रीजिंग सो अगर स्ट्रेट लाइन होगा पी पी एफ तो इस तरह से होगा अगर कॉन्वेक्स होगा तो इस तरह से होगा नौ नेक्स्ट इज वॉट नेक्स्ट इज पी पी एफ में चेंज कैसे आता है पी पी एफ में चेंज आता है तो शिफ्ट से पूरा का पूरा पी पी एफ शिफ्ट हो जाता है या पी पी एफ में चेंज आता है रोटेशन से दो कारण से चेंज आ सकता है या तो शिफ्ट से या रोटेशन से अगर हम शिफ्ट की बात करें तो शिफ्ट में पहला है हमारे पास राइट वर्ड शिफ्ट दिस इज राइट वर्ड शिफ्ट यहाँ पे शिफ्ट राइट वर्ड कैसे राइट वर्ड ऐसे है कि जहाँ पी था वहाँ से ओरिजिनली शिफ्ट हो गया राइट right में हो गया राइटवर्ड शिफ्ट दो कारण से हो सकता है या तो ग्रोथ ऑफ रिसोर्स रिसोर्स की ग्रोथ ग्रोथ ऑफ रिसोर्स या दूसरा एडवांसमेंट और अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन कर दिया हमने हमने टेक्नोलॉजी एडवांस लगा दी अगर आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और आपने एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ ले लिया तो आपका जो आउटपुट है वो बढ़ जाएगा और आउटपुट दोनों कमोडिटीज़ में बढ़ना चाहिए रिसोर्सेज का जो ग्रोथ है अगर ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज है तो वो दोनों कमोडिटी में फिट होनी चाहिए टेक्नोलॉजी का जो अपग्रेडेशन है वो दोनों कमोडिटी में फिट होना चाहिए सो बोथ द कमोडिटीज आउटपुट शुड इंक्रीज़ टू कमोडिटीज़ दोनों कमोडिटीज का आउटपुट इंक्रीज होगा जब दोनों का आउटपुट इंक्रीज होगा तो एक्स एक्सेस से भी इंक्रीमेंट आएगा और वाई एक्सेस से भी इंक्रीमेंट आएगा जब दोनों से इंक्रीमेंट आएगा तो पीपीएफ क्या होगा राइटवर्ड right शिफ्ट हो जाएगा पीपीएफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो सकता है यस yes, अगर आप टेक्नोलॉजी को डिग्रेड कर दें पर टेक्नोलॉजी डिग्रेड नॉर्मली होती नहीं है क्योंकि अगर आपने एक बार अचीव कर ली टेक्नोलॉजी पीछे नहीं जाती है रिसोर्सेज को डिक्रीज कर सकते हो आप अगर आपने रिसोर्सेज को डिक्रीज कर दिया दोनों कमोडिटी में तो आपका जो कर्व है वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा लेफ्टवर्ड पीछे चला जाएगा यहाँ पे पहले था आपने रिसोर्सेज को कम किया कर्व आपका पीछे आ गया लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ गया दिस इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट नाउ दूसरा चेंज आता है कर्व में जिसको हम कहते हैं रोटेशन कर्व रोटेट होता है रोटेट कैसे होता है एक ही कमोडिटी में चेंज आ रहा है अगर आपने रिसोर्सेज को बढ़ाया तो एक कमोडिटी में बढ़ाया जैसे मान लीजिए आपने रिसोर्सेज को बढ़ाया एक्स एक्सिस वाली कमोडिटी में तो एक्स एक्सिस वाली कमोडिटी में अगर रिसोर्सेज को बढ़ाया तो एक्स एक्सिस पे जो कमोडिटी वो बढ़ गई तो आपका कर्व यहाँ से शिफ्ट होकर गया यहाँ हो गया इसको हम कहते हैं रोटेशन दिस इज रोटेशन रोटेट हुआ कर्व अगर आपने एक्स एक्सिस वाली कमोडिटी पे अगर रिसोर्सेज को कम कर दिया तो आपका कर्व पीछे शिफ्ट हो जाएगा दिस इज ऑल्सो रोटेशन तो यहाँ पे जो रोटेशन है वो कौन सा है रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस पे क्योंकि आपने सिर्फ रोटेशन जब हुआ तो आपने कौन सी कमोडिटी में रिसोर्सेज को कम और बढ़ाया बढ़ाया कम किया जो एक्स एक्सिस पे उसी को आपने बढ़ाया या कम किया नो नेक्स्ट इज रोटेशन ऑन वाई एक्सिस यहाँ पे रोटेशन आपने किसका किया वाई एक्सिस का वाई एक्सिस पर रोटेशन कैसे हुआ आपने जो कमोडिटी वाई एक्सिस पे थी उस कमोडिटी का रिसोर्सेज को बढ़ाया तो रोटेशन वाई एक्सिस पे हुआ या उसी के रिसोर्सेज को कम किया तो रोटेशन यहाँ पे वाई एक्सेस पे हुआ तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है जो रोटेशन हो रहा है वो रोटेशन वाई एक्सेस वाली कमोडिटी पे हो रहा है तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ रोटेशन सो गाइज यहाँ पर आके हमारा पी वाला पार्ट कम्प्लीट हो जाता है और यहाँ पर आके हमारा जो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स वाला फर्स्ट चैप्टर है वो कम्प्लीट हो जाता है तीन लेक्चर्स हैं जो मैंने आपको दिए हैं फर्स्ट वाले चैप्टर में बेसिक्स वाले में वो तीनों लेक्चर्स आप अच्छे से देखें सो यू विल ग्रैब मोर नॉलेज और उस नॉलेज से आपको आगे वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें भी हेल्प मिलेगी टिल देन थैंक यू वेरी मच गुड बाय